everyone, welcome to the next lecture on mathematics. In this lecture we are going to discuss the next topic, that is a cartesian product. और हम इस lecture में try करेंगे कि cartesian product के related जितने भी points है वो सभी इसमें cover up करने की कोशिश करेंगे. अब देखो cartesian product, product means क्या रहता है, अगर कोई दो numbers है तो उसमें product मतलब आप क्या लेते हो, multiplication. same हमें क्या करना है, set के related cartesian product find out करना है. अब set के elements का तो product नहीं होगा, तो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट वो समझने के लिए फर्स्ट वी सी व्हाट इज ऑर्डर पेयर. आप लोगों ने एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट लेते हो, सपोज एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट है 1 2, हियर वी टेक वाई एक्सिस पे 1 2 3. अब 1 और ये जो 2 है इसके एग्जैक्टली यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लेती हूँ तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ये पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर पेयर 1, 2. सो एक्स वाई प्लेन में अगर आप कोई पॉइंट प्लॉट करते हो इन एक्स वाई प्लेन तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर. सो ऑर्डर पेयर मीन्स क्या होता है, इट इज ए कंटेन टू एलिमेंट्स. ओके, ऑर्डर पेयर, पेयर दैट इज ए टू, सो कंटेन टू एलिमेंट्स. और ऑर्डर मीन्स क्या रहता है, ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर्स. सो ऑर्डरिंग मतलब ये 1 इज ऑन फर्स्ट, 2 यहाँ पे सेकेंड पे है, सो 1, 2 और 2, 1 यहाँ पे अगर ये रिप्रेजेंट करते हो तो उन दोनों नंबर्स का मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट. मतलब ये 1, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, 1. अगर 2, 1 एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करोगे तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, दैट इज ए 2, 1. तो देखो पोजिशन वाइज वो पॉइंट कैसे डिफरेंट प्लेसेस पे, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर पेयर दैट इज नथिंग बट ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर एंड पेयर मीन्स 2. So order pair is nothing but the two elements contained in a round bracket separated by the comma. And in order pair, the ordering of the elements is very important. Ordering of elements means कौन सा number आप first लिख रहे हैं और कौन सा number आप second लिख रहे हैं. So the order pair, that means an order pair consisting of two elements or the offsets in a given fixed order. So इसी से क्या clear होता है कि first point is A comma B is not equals to B comma A. अगर order pair है तो उसमें A comma B not equals to B comma A. बट ये always रहेगा क्या? Suppose अगर मुझे कहना है कि नहीं, मेरे पास में 2 order pair है, ये दोनों order pair कैसे equal है? So when it is possible to say that 2 order pairs are equal, if and only if it is possible, if and only if first element of first order pair is equals to the फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेकेंड ऑर्डर पेयर. मतलब क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, सो देन वी कैन से द ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल. मतलब किसी भी कंडीशन पे 2 ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं रहते, ओनली कब रहते हैं अगर वो एग्जैक्टली सेम सेम एलिमेंट है. मतलब आप क्या कहोगे कि 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 1, बट अगर आप 1, 2 को 1, 2 के साथ ही कंपेयर कर रहे हो तो देन एंड देन दे आर इक्वल. अब इस पे एग्जांपल्स कैसे रहते हैं, देखो समटाइम्स आपके पास में क्या रहेगा, 2a-1, 3b+5 इज इक्वल टू 2, 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. अब आपको देखो 2 ऑर्डर पेयर्स कैसे गिवन है, दे आर ऑलरेडी इक्वल. एंड सो हियर क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट दिस ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल. अब ये 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल अगर यहाँ पे गिवन है तो कब पॉसिबल है 2 ऑर्डर पेयर इक्वल, जब इनका फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा. सो ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू दिस टर्म. सो इट इज ए 2a-1 इज इक्वल टू 2. सिंप्लीफाई दिस टर्म, सो -1 राइट साइड में चला जाएगा तो 3, और 2 से डिवाइड कर दो तो a इक्वल्स टू 3/2. एंड हियर 3b+5 इक्वल्स टू 6. सेकेंड सेकेंड एलिमेंट को इक्वेट करें, 5 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो इट विल बी -5. 6-5 इज 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय दिस 3 देन b इक्वल्स टू 1/3. सो इफ वैल्यू ऑफ a इज 3/2 and value of b is 1/2, then this order pairs are equal. So इस type में examples रहते हैं order pairs के ऊपर. So ये हो गया concept of order pair. Now we see our main topic, that is a Cartesian product. Let us consider, let a and b are two
non-empty sets. Here we are considering A and B are the two non-empty sets. Then the Cartesian product of set A and B is denoted by A cross B. Product is collection of all possible ordered pairs such that, kaise ordered pairs ka collection? The first element of this ordered pair is belonging to our first set and second element is belonging to our second set, that is set B. So collection of all possible ordered pairs is nothing but a Cartesian product. And here condition is first element must be the member of first set and second element is a member of second set. इसका इंटरचेंज करोगे तो अगेन द मीनिंग विल बी चेंज, क्योंकि हमने अभी देखा था कि ऑर्डर पेयर में अगर ऑर्डरिंग चेंज कर दोगे तो उसका मीनिंग क्या होता है, चेंज. सो यहाँ पे वाई फर्स्ट और एक्स बाद में अगर आ गया तो इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस बी. सो हियर फर्स्ट इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, बिकॉज बी क्रॉस ए क्या कंटेन करेगा, बी क्रॉस ए इज ए कलेक्शन ऑफ A order pairs, again all possible order pairs y comma x such that this y is the member of set B and x is a member of set A. So देखो यहाँ पे first element कौन से set का, B का. यहाँ पे first element है set A का. तो आप अगर ordering change करोगे तो उसका meaning change होगा. That means A cross B is not equals to B cross A. अब जैसे order pair में टू ऑर्डर्स पेयर इक्वल हो सकते हैं जब उनका फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड सेकेंड एलिमेंट इक्वल होगा. द सेम वे इफ यू आर सेइंग दिस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, इफ एंड ओनली इफ बोथ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल. अगर दोनों सेट्स इक्वल है तभी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल. वॉट अबाउट द एम्प्टी सेट? अब यहाँ पे हमने कंडीशन लिखा दी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर दो सेट में निकाल रहे हो तो वो दोनों सेट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट. इन केस अगर हमने एम्प्टी सेट कंसीडर किया तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा. सपोज हमने कंसीडर किया ए इज अवर एम्प्टी सेट एंड वी वांट टू टेक द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी, बी कंटेन एलिमेंट 1 2. सो ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम्प्टी सेट. कोई भी एक सेट भी अगर एम्प्टी है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एम्प्टी सेट. सो एम्प्टी अगर है तो उसमें स्टडी करने के लिए कुछ रहता ही नहीं. दैट्स व्हाई अगर हमें स्टडी करना है तो वहां पे क्या होना चाहिए, सेट मस्ट बी नॉन एम्प्टी, तभी उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में कोई मीनिंग होगा, अदरवाइज देयर इज अ मीनिंगलेस. सिमिलरली अगर आपने बी सेट को भी एम्प्टी लिया, ए इज अवर नॉन एम्प्टी सेट एंड बी इज अवर एम्प्टी सेट, स्टिल their Cartesian product will be empty. So किसी एक सेट को अगर एम्प्टी है या फिर दोनों सेट एम्प्टी है तो their Cartesian product is empty. That means यहां से हमें पॉइंट क्या मिलता है, if set A is equals to empty set or set B is equals to empty set, दोनों में से एक condition hold हो जाए या फिर दोनों condition, तो then their Cartesian product is empty. कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब एग्जैक्टली हम क्या फाइंड आउट करें, ये समझने के लिए वी टेक वन एग्जांपल. सपोज वी हैव गिवन सेट ए कंटेन एलिमेंट ए बी सी एंड सेट बी कंटेन एलिमेंट 1 2. ओके, और इसे समझने के लिए मैं एक वेन डायग्राम निकालती हूँ. वी नो दैट हाउ टू ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ सेट. सो हियर इसका एक सेट का अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सेट ए कंटेन एलिमेंट ए बी and set B contain element 1 2. Okay, and here the definition of Cartesian product says that if you want to find the A cross B, that is nothing but collection of all the possible ordered pair such that first element is a member of first set and second element is a member of second set. इसका मतलब क्या होता है, A set का जो first element है वो क्या हो जाएगा, मैप होगा ऑन द एलिमेंट ऑफ बी. अब ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट देखो ए है, ये किसके ऊपर मैप होगा, एलिमेंट ऑफ बी. सो ए एलिमेंट को हमने मैप कर दिया 1 के ऊपर. बट ये एक ही तो एलिमेंट थोड़ी ना है सेट बी में, ए 2 के ऊपर भी मैप हो सकता है. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
सेट ए का एक एलिमेंट लेके उसको ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के ऊपर मैप करें, मतलब ये हो जाएगा मैपिंग। सिमिलरली अगर आप बी को मैप करके देखोगे, सो बी एलिमेंट का देखो मैपिंग क्या होगा, बी इज मैप ऑन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी इज मैप ऑन सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट बी। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, सेट ए का कोई एलिमेंट लेके उसको बी के हर एक एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहे हैं। वैसे ही हमारा सी एक एलिमेंट है सेट ए का, सो सी की मैपिंग 1 के ऊपर हो जाएगा, सी की मैपिंग 2 के ऊपर। अब ये जो हमने वेन डायग्राम से इस मैपिंग को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज कॉल्ड अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो हमने किया है उसी को हमें क्या करना है, सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब देखो ए एलिमेंट किसके ऊपर मैप हो रहा है, 1 के ऊपर, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में आएगा ए कॉमा 1। ए इज मैप ऑन 2, सो ए कॉमा 2। सिमिलरली बी 1, बी इज मैप ऑन 2, सी कॉमा 1, सी कॉमा 2। सो नाउ सी हियर, इस डायग्राम को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या किया है, सेट ए के एलिमेंट को जितने भी पॉसिबल मैपिंग बी के एलिमेंट के साथ में हो सकता है वो सभी मैपिंग को मानिए, और वो जो मैपिंग जिस तरह से यहाँ पे मैपिंग है उन्हीं का ऑर्डर पेयर हमने क्या किया यहाँ पे मेंशन किया, मतलब ए टू वन, तो ए टू वन मतलब क्या होगा, ए कॉमा वन ऑर्डर पेयर। सो ये जो ऑर्डर पेयर आप लिख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट मैपिंग और फर्स्ट एलिमेंट मैप ऑन दिस सेकेंड एलिमेंट। यहाँ पे भी क्या होगा, बी इज मैप ऑन 1, बी इज मैप ऑन 2, सी इज मैप ऑन 1, सी इज मैप ऑन 2। सो इसमें भी यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम फर्स्ट से सेकेंड एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहे हैं, सेकेंड से फर्स्ट के ऊपर नहीं। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और इन सभी एलिमेंट्स में आपको क्या स्पेशली दिखेगा कि हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मेंबर ऑफ सेट ए, एंड सेकेंड एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ सेट बी। और यहाँ पे देखो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर हमने लिए, मतलब जितने पॉसिबल मैपिंग यहाँ पे हो सकते हैं वो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर इसमें कंटेन है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर हुज फर्स्ट एलिमेंट इज मेंबर ऑफ फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट इज मेंबर ऑफ सेकेंड सेट। नाउ ट्राई दिस एग्जांपल, हियर सेट ए कंटेन एलिमेंट 1 2 3, सेट बी कंटेन एलिमेंट 4 5 6, एंड हियर फाइंड ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। वीडियो को स्टॉप करके फटाफट इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे वो लिखो, और फिर प्ले करके चेक करो आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। सो आई विल राइट हियर ए क्रॉस बी, सो हियर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ, सो फर्स्ट क्या होगा, सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट उठा लो और बी एलिमेंट के हर एक एलिमेंट के साथ में उसको मैप कर दो, मतलब 1 इज मैप ऑन 4, सो 1 कॉमा 4, देन 1 मैप ऑन 5, 1 मैप ऑन 6। देन सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 2, और 2 क्या होगा, बी के हर एक एलिमेंट के ऊपर मैपिंग, दैट मीन्स वी गेट 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 6। देन हियर 3, 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 6। दिस आर द ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट ए टू बी। सपोज इससे में अगर एडिशनल क्वेश्चन रहता था कि दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट बाय एरो डायग्राम, सो व्हाट इज एरो डायग्राम, जस्ट अभी हमने दो साइड का वेन डायग्राम निकाला था और मैपिंग जो एरो से उनको ज्वाइन किया था, दैट इज नथिंग बट अवर एरो डायग्राम। मींस हियर ए क्रॉस बी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज अवर सेट ए, वेन डायग्राम ऑफ सेट ए, दिस इज अवर सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 1 2 3, एलिमेंट ऑफ सेट बी इज 4 5 6, एंड हियर ऑर्डर पेयर ए कॉमा 4, तो 1 इज मैप ऑन 4, 1 5 1 6। सो 1 के रिलेटेड जितने पॉसिबल मैपिंग है, मतलब 1 ये एलिमेंट ए सेट का है, वो बी सेट के कौन से एलिमेंट पे मैप हो सकता है, वो ऑल पॉसिबल मैपिंग हमने यहाँ पे निकाली। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, B के करस्पॉन्ड, सो ये B इज मैप ऑन 4 5 6, एंड 3 के करस्पॉन्डिंग भी सेम अगर करते तो ये 3 2 4 5 6, सो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, उसके रिलेटेड ऑल पॉसिबल मैपिंग।
ये जो डायग्रामेटिक हमने रिप्रेजेंट किया है, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज नथिंग बट एरो डायग्राम फॉर दिस ए क्रॉस बी प्रोडक्ट। सो ये हो गया एरो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब सेम वे देखो, अगर हम इसी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करते हैं, तो एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट्स कैसे देखेंगे? देखो सो फर्स्ट पॉइंट इज 1.4, तो 1.4 मतलब यहाँ पे आएगा, दिस इज अवर 1.4। नेक्स्ट 2.4, दिस इज 2.4 इज हियर। नेक्स्ट इज 3.4, 3.4 मतलब यहाँ पे आएगा इसी के पैरेलल में, इट इज ए 3.4। देन 1.5, सो 1.5 मतलब यहाँ पे आएगा 1.5। नेक्स्ट इसी के पैरेलल में इट इज ए 2.5। देन हियर इट इज ए 3.5। इस लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज 1.6, तो 1.6 यहाँ पे आएगा 1.6, इसी के पैरेलल में यहाँ पे आएगा 2.6 एंड देन हियर 3.6। सो जस्ट हमने क्या किया, ये जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ऑर्डर पेयर थे, तो वो ऑर्डर पेयर को हमने एक्स वाई प्लेन में प्लॉट किया। सो ये रहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सो ग्राफिकल है तो दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन में आपको पॉइंट को प्लॉट करना है, और अगर एरो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो ये होगा एरो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज वी हैव गिवन थ्री सेट, सेट ए कंटेन एलिमेंट ए बी सी, सेट बी कंटेन एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड सेट सी कंटेन एलिमेंट 2, 4, 5 एंड वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। एंड वी नो दैट बी इंटरसेक्शन सी इज अगेन अ सेट, सो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर टू सेट के बीच में निकालना हमें नोन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेट को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सो हियर फर्स्ट वी फाइंड बी इंटरसेक्शन सी एंड डी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का डेफिनेशन भी सबको पता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सच दैट इट इज अ मेंबर ऑफ सेट बी एंड मेंबर ऑफ सी। सो दोनों सेट का मेंबर है ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन, मतलब ये क्या कर रहे हैं, बी और सी के कॉमन एलिमेंट। सो नाउ सी हियर 2 यहाँ पे भी है, सेट सी के अंदर भी है, 4 इज द मेंबर ऑफ सेट बी एज वेल एज मेंबर ऑफ सेट सी, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट कैसे डिस्टिंग है, बट ये दो एलिमेंट कैसे इनमें कॉमन है। सो द बी इंटरसेक्शन सी कंटेन एलिमेंट 2 and 4 एंड सेट ए इज गिवन, सेट ए कंटेन एलिमेंट ए बी सी एंड वी वॉन्ट टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन दिस टू सेट। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यू सेट बी इंटरसेक्शन सी इज अवर न्यू सेट। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज कंटेन एलिमेंट हियर ए टू, हम यहाँ पे इस साइड के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो ए के एक एलिमेंट उठा लो, इसको इन सभी एलिमेंट के साथ में मैप कर दो। सो हियर ए कॉमा 2 ए कॉमा 4 देन बी बी कॉमा 2 बी कॉमा 4। सिमिलरली अगर सी से लेते हैं तो सी कॉमा 2 सी कॉमा 4। सो दिस आर द ऑर्डर पेयर्स बिलोंगिंग टू दिस सेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। लेट इज कंसिडर, सपोज वी हैव गिवन थ्री सेट्स, लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, ए बी सी बी थ्री सेट्स। नाउ the cartesian product of three set is denoted by a cross b cross c and it is collection of all order of triplets, matlab yahan pe kya hoga a b c such that first element is a member of first set, second element is a member of second set and third element is a member of third set. So it is a collection of all order triplets such that first element is a member of first, second is a member of second and third is a member of third set. For example, suppose we have given set A contain element A, set B contain element 1, 2 and set C contain element X, Y, Z. So, यहाँ पे अगर आपको diagrammatically check करना है, तो इसका arrow diagram अगर मैं बनाती हूँ, तो set A contain element A,
Set B contain element 1, 2 and set C contain element x, y, z. A cross B में क्या होता है, ऑल पॉसिबल मैपिंग. सो यहाँ पे A में एक ही एलिमेंट है तो यहाँ पे सिर्फ मैपिंग क्या होगी, A to 1, A to 2. नेक्स्ट B क्रॉस C में अगेन ऑल पॉसिबल मैपिंग. सो 1 इज मैप ऑन x, y, z. सिमिलरली 2 के लिए क्या होगा, 2 to x, 2 to y, 2 to z. सो अल्टीमेटली हियर A इज मैप ऑन 1 एंड 1 इज मैप ऑन x. A map on 1, 1 is map on y. A, 1, 1 to z. So, इन्हीं का क्या करना है, हमें कलेक्शन करना है. तो that is nothing but our A cross B cross C. So, here A cross B cross C is collection of ordered triplets. The first member is A, 1, x. Second is A, 1, y. अभी तक के आपने जितने एग्जाम्पल देखे तो उनमें क्या हो गया, सेट ए में डिफरेंट एलिमेंट थे सेट बी में. सो इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट कंटेन है वो कैसे फाइंड आउट करोगे. सो हाउ मेनी एलिमेंट कंटेन इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो हियर दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज अ कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन दिस सेट. सो हम इजिली काउंट कर सकते हैं, इट इज ए 6. सो द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज 6. ये हो गया इस पर्टिकुलर सेट के लिए कार्डिनलिटी. बट इन केस हमारे पास में पर्टिकुलर सेट गिवन नहीं है, सेट ए बी सी ये गिवन नहीं है, इनकी जस्ट कार्डिनलिटी नोन है. देन हाउ टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाउ टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो फॉर कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेट अस कंसिडर ए एंड बी आर द टू फाइनाइट सेट. दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज फिक्स, that is suppose it is a n, and cardinality of set b is suppose n. So we are considering set a and b both are finite. So how many element contain in their cartesian product, that means the cardinality of set a cross b is equals to question. So yahan pe kitne element ho gaye, so here answer is cardinality of a cross b is equals to cardinality of set A into cardinality of set B. यहाँ का cross था cartesian product का, but यहाँ पे मैं जो use कर रही हूँ it is a into, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो number आएंगे it is a natural number, so natural number में direct product होता है. So here if we put the value of cardinality of n, cardinality of A, then it is a n into n. So cardinality of A cross B is equals to n into m. And we know that A cross B is not equals to B cross A. But interesting is their cardinality are equal. अगर मैं यहाँ पे cardinality apply करती हूँ तो cardinality of A cross B is equals to the cardinality of B cross A is equals to n into m. So इनकी भले ही sets equal नहीं है, but अगर हम cardinality की बात करते हैं तो cardinality of both sets are equal. सिमिलरली इफ वी हैव गिवन द थ्री सेट, तो थ्री सेट के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सेम में हम कार्डिनलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हियर मैं इसी में एक सेट और ऐड कर देती हूँ. सपोज कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी इज पी, सो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एन, बी इज एम एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी इज पी, देन द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू एन एम. इन तीनों सेट के कार्डिनलिटी का प्रोडक्ट दैट इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट. नाउ इन कार्टेशियन प्रोडक्ट नेक्स्ट वी सी इम्पोर्टेंट रीजन. जिस तरह से हमने लॉज ऑफ सेट देखे थे उसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट है. तो फर्स्ट रिजल्ट इज ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस. और लास्ट टाइम हमने टू सेट्स को इक्वल कैसे दिखाते हैं उसका प्रूफ भी देखा था. अगर मुझे इन दो सेट्स को इक्वल दिखाना है, बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स क्या रहता है, वी गेट द सेट सेट कंटेन ऑर्डर पेयर्स. सो यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज अ सेट, राइट हैंड साइड इज अ सेट. और अगर मुझे इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखाना है तो हाउ टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, यस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू टेक द वन एलिमेंट एंड शो दैट इट इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट.
Similarly, we have to take the element of this set and show that it is a member of this set. मतलब एक दूसरे का subset अगर हो गए तो then the sets are equal. So now see how to prove this statement. Here let us consider x comma y is a member of A cross B union C. और by definition of Cartesian product, कोई any order pair अगर किसी Cartesian product में जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? First element is a member of first set, second element is a member of second set. So here, if and only if x is belonging to set A and y is belonging to B union C. मैंने यहाँ पे if and only if लिखा है, मतलब vice versa दोनों statement क्या है? True. Now see here, y is belonging to B union C. अगर कोई element union में belong करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? X is belonging to set A and here Y is belonging to B union C. So B union में अगर element belong कर रहा है, means this element is either belonging to set B or belonging to set C. So here Y is belonging to set B or Y is belonging to set C. So here if and only if X belonging to set A, if you open this bracket, then it is a and y belonging to set B or x belonging to set A and y belonging to set C. देखो यहाँ पे क्या है, और यूज करने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू या फिर दिस स्टेटमेंट ट्रू या फिर बोथ स्टेटमेंट, तो कोई एक भी ट्रू है तो भी चलेगा. अजम करो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पे क्या होगा, x is belonging to A and y belonging to B, अगर ये स्टेटमेंट है तो. अदरवाइज क्या हो सकता है, और दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन x इज अ मेंबर ऑफ सेट A एंड x इज अ मेंबर ऑफ सेट C. अब नाउ सी हियर, अब इसी वर्डिंग को मैं अगेन सिंबॉलिक फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करती हूँ तो यहाँ पे देखो बीच में वर्ड है एंड, और अगर बीच में एंड है तो उसका क्या होता है, लास्ट टाइम इंटरसेक्शन कहा था बट तब दोनों सेट के एलिमेंट सेम थे. अगर दोनों सेट के एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब वो क्या होता है, इंटरसेक्शन. बट हियर इट इज ए एक्स एंड हियर इट इज ए वाई, सो यहाँ पे एलिमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट के लिए क्या होता है, एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए एंड वाई इज अ मेंबर ऑफ बी, दैट इज नथिंग बट द कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो दिस इम्प्लाय एक्स कॉमा वाई इज बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी. इसका रिवर्स में करके देखो तो ये होगा एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए एंड वाई इज अ मेंबर ऑफ बी, कार्टेशियन by definition of Cartesian product. Or x comma y is belonging to A cross C. Now see here, elements is x comma y and here also element is x comma y. अब दोनों set के elements same है, so or किस में convert होता है, union. So this is or this one, that means x comma y is belonging to A cross B union A cross C. So now see here, element consider किया था इस set का और किसका member आ गया, this set का. और यहाँ पे हम symbol use कर रहे हैं if and only, मतलब converse में भी ये statement क्या है, true. इसका मतलब है this set and this set are equal. So hence A cross B union C is equals to A cross B union A cross C. Similarly, instead of this union, अगर हम intersection use करते हैं, तो we get the second important result. That is, here the second is A cross B intersection C. So intersection मतलब common element. So इनके common element के ऊपर set A map हो रहा है. और अगर आप A cross B निकालोगे और then A cross C निकाल के उन दोनों के common element लोगे, तो ultimately क्या होगा? That is nothing but the intersection. So here it is a cross B intersection A cross C. So this is our second result. So यहाँ पे भी क्या होगा, cross just like as a multiplication bracket में multiply हो जाएगा. So ये दोनों भी important laws है. इस statement को अगर आपको proof करना है तो try करके देखो, same way से आपको solve करना है. यहाँ पे intersection होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एंड यूज होगा, यहाँ पे भी एंड एंड बिकॉज ऑफ दिस एंड, और ये कॉमन एलिमेंट होने की वजह से एंड कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन के अंदर.
तो ये ट्राई करके देखो. नाउ द थर्ड रिजल्ट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ सेट ए इक्वल्स टू सेट बी. ये स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ सेट ए इक्वल्स टू बी. दोनों सेट अगर इक्वल है तो ये पॉसिबल है. इफ यू वांट टू प्रूव दिस स्टेटमेंट सपोज वी टेक एक्स कॉमा वाई इज ए मेंबर ऑफ ए क्रॉस बी. अगर ये ए क्रॉस बी का मेंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज बिलोंगिंग टू सेट ए एंड वाई इज बिलोंगिंग टू सेट बी. देखो हमारे पास में गिवन क्या है, सेट ए इक्वल्स टू सेट बी. इफ वी आर सेइंग ए एंड बी बोथ सेट आर इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए. अगर इस तरह से स्टेटमेंट है तो हियर x is a member of A is also the member of B. So instead of this statement we can write it as a B. And y is a member of B, so it is also the member of set A. So if we convert this term into the symbolic form then it is nothing but x comma y is a member of x comma y belonging to B cross A. So therefore A cross B is equals to B cross. So every member of this set is a member of this, and because of if and only converse part bhi kya hoga, true. That's why this both sets are equal. So ye ho gaya proof. When we are considering two sets are equal, then their Cartesian product is equal. Now we assume that this Cartesian product are equal and show that the sets are equal. So now see here, let us consider A cross B is equals to B cross A. And we have to show that A equals to B. So now see here, again we consider the element x comma y is belonging to A cross B. If it is a member of this Cartesian product, that means x is belonging to set A and y is belonging to set B. और यहाँ पे हमने कंसिडर किया दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमा वाई इज आल्सो द मेंबर ऑफ बी क्रॉस ए बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट. सो इट इज नथिंग बट एक्स इज अ मेंबर ऑफ बी एंड वाई इज अ मेंबर ऑफ सेट ए. नाउ सी हियर, एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स इज अ मेंबर ऑफ बी, मतलब ए सेट का एलिमेंट बी के अंदर है. और ये क्या कह रहा है, y is a member of B और यहाँ पे क्या हो गया, y is a member of B, that means every member of B is a member of set A और ये every member of A is a member of B, hence set A equals to B. So therefore if the two Cartesian products are equal, A cross B equals to B cross A, then the set A equals to B. If set A equals to B then this Cartesian products are equal. Now the next result is if A is a subset of B, then A cross C is a subset of B cross C. इसका प्रूफ जस्ट अभी जैसे मैंने एलिमेंट लेके किया था वैसे आप लोग ट्राई करके देखो. मैं इस प्रूफ को आपको एरो डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे आपके पास में गिवन है A is a subset of B. If you draw the Venn diagram corresponding to this set, then here B set and A set is contained in set B. And here it is a set C. We want to take A cross B. अब A cross B मतलब क्या होगा? A set के elements जो है, वो B set के ऊपर map करेंगे. यहाँ पे अगर A set में if we take the element A B as here it is a C. And here element is 1 2. अब arrow diagram अगर मुझे represent करना है, तो यहाँ इस एरो डायग्राम को अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैंने सेट ए के एलिमेंट को क्या किया है, बी सेट के एलिमेंट को मैप किया है. और यहाँ पे कैसे ऑल पॉसिबल मैपिंग, जैसे सेट ए का एलिमेंट है ए, इसको 1 एंड 2 के ऊपर मैप किया है. सेट ए का एलिमेंट है सेकंड बी, इसे 1 एंड 2 के ऊपर मैप किया है. दिस इज ऑन सेट एलिमेंट 2. नाउ इन्हीं का अगर हम सेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इट इज नथिंग बट ए क्रॉस सी इस कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट इज ए कॉमा वन ए कॉमा टू, देन नेक्स्ट इज बी कॉमा वन
B comma. So we get this set. Now, if we want to take the Cartesian product of set B and C, so B cross C में क्या होगा? Again arrow diagram अगर देखते हैं, तो B के हर एक element को क्या करना है? Set C के element के ऊपर map करना है और all possible mapping. So B के अंदर A element भी contain है, because A set A is a subset of B. So A is also the member of B. B is also member of B, and this C is the member of B. So here C is map on one, C is map on. तो ऑलरेडी दो एलिमेंट का मैपिंग था, उसमें भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज सी, उसका भी मैपिंग. और ये ऑल पॉसिबल मैपिंग मतलब क्या होगा? बी क्रॉस सी. सो हियर बी क्रॉस सी कंटेन एलिमेंट ए कॉमा वन, ए कॉमा टू, बी कॉमा वन, बी कॉमा टू, सी कॉमा वन एंड सी कॉमा. So now see here, every element of this set A cross C is a member of B cross C. So by definition of subset, we can say A cross C is a subset of B cross C. So hence, if A is a subset of B, then A cross C is a subset of B cross C. Similar way, if A is a subset of B, then C cross A is a subset of C cross B. The next law is, suppose we have given four set ABCD, and the law is here A cross B intersection C cross D is equals to A intersection C cross B intersection D. Now see, इसका प्रूफ किस तरह से करोगे? अगेन प्रूफ के लिए वी हैव टू टेक द एलिमेंट. अब एलिमेंट देखो, हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन, कौन से दो सेट के बीच में? इन दो सेट के बीच में. अब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, इसका मतलब है मेंबर ऑफ दिस सेट एज वेल एज दिस सेट, दोनों का मेंबर होगा, तभी जाके वो इंटरसेक्शन में आएगा. अब इस सेट का मेंबर कौन कैसे फॉर्म में रहता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर है तो दैट सेट कंटेन ऑलवेज अ ऑर्डर पेयर. So, ये A cross B contain order pair. So, let us consider the element of this set is X, Y is belonging to A cross B intersection C cross D. So, intersection में कोई element belong कर रहा है, that means it is a member of first set as well as member of second set. So, therefore, this implies X, Y is belonging to A cross B and X, Y is belonging to C cross D. Now, here this order pair is belonging to this Cartesian product. That means the first element is member of first set and second element is member of second set. So here X belonging to set A and Y belonging to set B. And here and here again X, Y, this order pair belonging to C cross D. So X is a member of C and Y is a member of D. अब इसे थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे थ्रू आउट एंड यूज किया, मतलब ये पूरे स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? होल्ड होना चाहिए. अब इसमें देखो, X किसका मेंबर? A, एंड X इज अ मेंबर ऑफ C, मतलब A और C दोनों में एट ए टाइम होना चाहिए, दोनों कंडीशन होल्ड. इसका मतलब क्या हो गया? ईयर X is belonging to A and X is belonging to set C. और ये कैसा स्टेटमेंट है? इफ एंड ओनली. एंड Y के अगर बारे में सोचते हैं, तो Y is a member of B and Y is a member of D. तो दोनों का एट ए टाइम मेंबर होना चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया? Y is belonging to B and Y is belonging to D. Now, if the elements are similar and there is a वर्ड एंड, तो एंड मीन्स क्या होगा? इंटरसेक्शन में कन्वर्ट. सो ये इफ एंड ओनली एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए और सी दोनों में होना चाहिए. इसका मतलब क्या होगा? ए और सी इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन का पार्ट होना चाहिए. सिमिलरली हियर वाई इज ए मेंबर ऑफ बी एंड वाई इज ए मेंबर ऑफ डी, दैट मीन्स इट इज ए मेंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन डी. सो हियर एंड वाई इज ए मेंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन डी. बस ये इस स्टेटमेंट के बीच में भी क्या है? एंड. बट बोथ सेट के एलिमेंट कैसे हैं? डिस्टिंक्ट. यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई.
सो एक्स और वाई अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो वो क्या कन्वर्ट होता है एंड क्रॉस में. सो दिस इंप्लाई एक्स कॉमा वाई इज बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी. दिस एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट. और ना सी हमने किसका मेंबर कंसिडर किया था, इस सेट का. और कहाँ पे आ गया दिस, दैट मीन्स बोथ सेट्स आर इक्वल, हेंस दिस इज द ट्रूथ. ये हो गए कंप्लीट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. और नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. Thank you. Like, share and subscribe.